हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूँ आप सभी का अनअकैडमी स्टूडियोज इन ग्रेव पर। आज हम लोग पढ़ने वाले ईच एंड एवरी, ईच और एवरी का यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं अनअकैडमी स्टूडियोज इन ग्रेव के मेंबर्स के बारे में। उमाकांत शर्मा सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, विक्रमजीत जी चौधरी सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, शंभु कुमार सर जीए और जीएस में डील करते हैं, पवन राव सर मैथमेटिक्स के धुरंधर कहे जाते हैं। आज ईच एंड एवरी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। नाउ अबाउट माई सेल्फ, पिछले 8 सालों से मैं एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ। 1 लाख से ज़्यादा लर्नर्स को मैं मेंटोर कर चुका हूँ। पॉपुलरली एंड लविंगली आई एम कॉल्ड अ वॉकिंग डिक्शनरी और अ मिस्टर डिक्शनरी बिकॉज आई हैव मेमोराइज्ड ऑल द वर्ड्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स। ठीक है, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको आसानी से पता चलेगा कौन कौन से टीचर्स कब कब क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको चूज करना पड़ेगा आपका गोल, दैट इज एसएससी एग्जाम। उसको चूज करने के बाद में आप आसानी से एसएससी एग्जाम से जितने भी एजुकेटर हैं सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी प्लस क्या है? अन अकेडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आप फेवरेट टीचर से पढ़ते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, इन डिटेल डाउट सेशंस होते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेने का अनलिमिटेड एक्सेस होता है टू ऑल एजुकेटर्स इन दैट कैटेगरी। रियल टाइम इंट्रैक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ में, मतलब ऑनलाइन इंट्रैक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ में। यू कैन आस्क डाउट्स इन लाइव क्लासेस, आप लाइव क्लासेस में डाउट पूछ सकते हैं, एंड यू कैन डाउनलोड द वीडियोस एंड वॉच देम ऑफलाइन टू। आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। दीज आर द टॉप एजुकेटर्स ऑन अकेडमी, यू कैन एक्सेस देम। ठीक है, यू कैन एक्सेस देम एंड उनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ बात करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन की। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6,000 रुपये का है, और अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं SR लाइव कोड तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, और वो हो जाता है 5,400 रुपीज़ का। बात करते हैं 24 महीने के सब्सक्रिप्शन की, तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 9,600 रुपये का है। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं SR लाइव कोड तो 10% का डिस्काउंट मिलता है और वो हो जाता है 8,640। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये सारे कुछ बातें थी अन अकेडमी की, राइट। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो आज का टॉपिक है ईच एंड एवरी। ईच और एवरी का यूज, कहाँ पे ईच का यूज होता है और कहाँ पर एवरी का यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ईच के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब कैसे प्रोनाउन कैसे एडजेक्टिव है अभी देखेंगे। और अगर हम एवरी की बात करें तो एवरी क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है। Now we talk about each and every. तो यहां पर ये एक ग्रामेटिकल डिफरेंस है, ठीक है, राइट, कि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और ईच आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह ट्रीट होता है। कैसे ट्रीट होता है भी हम बात करेंगे। अब इसमें एक खास बात और जोड़ना है, ईच का यूज दो या दो से अधिक के लिए होगा और एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, फिर से देखिए, ईच का यूज दो या दो से अधिक के लिए होता है और एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। अब यहां पे देखो, हमने सेंटेंस लिखा ईच ऑफ द गर्ल्स। ईच यहां पर क्या है? यहां पर एडजेक्टिव नहीं, यहां पर क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अभी बहुत होते हैं, लेकिन यहां पर अभी हम लोग सिर्फ ईच को देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो ईच प्लस ऑफ प्लस द प्लस नाउन प्लूरल की तरह यूज होता है। ईच प्लस ऑफ प्लस द प्लस नाउन प्लूरल, इस तरह से हम लोग ईच का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर। ईच ऑफ द गर्ल्स, राइट, ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। तो अब यहां पे ईच प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, क्लियर। तो यहां पर ये एज अ प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच प्लस ऑफ प्लस द प्लस नाउन प्लूरल, ठीक है, राइट। नाउन या अगर प्रोनाउन भी यूज करते तो वो भी प्लूरल होगा, क्योंकि ईच ऑफ देम हम बोलते हैं, देम क्या है, प्रोनाउन, जो कि प्लूरल है। अब ध्यान रखिएगा, ईच ऑफ यहां पे सिलेक्शन की बात करता है, कईयों में से प्रत्येक की बात कर रहा है, ऑफ लगा है तो सिलेक्शन, कई में से प्रत्येक, तो सिलेक्शन हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल और ये नाउन भी। ठीक, अब यहां पे देखो, ये बात समझ में आ गई, ईच ऑफ ईच प्लस ऑफ प्लस द, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, और क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ईच एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर ईच के जस्ट बाद नाउन लगाते हैं, ठीक है, जस्ट बाद नाउन, तो वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा, और उस केस में ईच क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईच एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ईच बॉयज नहीं, ये क्या कह रहा है, ईच बॉय, ठीक है, प्रत्येक लड़का, राइट, ईच बॉयज नहीं, क्या करेंगे, ईच बॉय, क्योंकि ईच कहता है प्रत्येक, हर एक, ईच हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, एक इंडिविजुअल को, वन एट अ टाइम। एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन है ईच का बेटा, वो क्या है, वन एट अ टाइम, क्योंकि कहता है प्रत्येक, क्या कहता है, प्रत्येक कहता है, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, दैट इज प्रत्येक, ठीक है। तो ईच ऑफ द, ईच प्लस नाउन सिंगुलर, राइट, ईच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ईच प्लस नाउन में ईच आपका एडजेक्टिव तरह यूज होगा। तो ईच के ये दो यूजेस हमने डिस्कस करे, ठीक है, दोनों में हमने देख लिया कि नाउन कैसा आता है, ऑफ द लग रहा है तो नाउन प्लूरल, ईच के जस्ट बाद नाउन लग रहा है तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। अब एक बहुत ही खास बात ये है कि दोनों ही कंडीशन में चाहे ईच ऑफ प्लस द नाउन प्लूरल हो या ईच प्लस नाउन प्लूरल है, दोनों ही कंडीशन में जो वर्ब आएगी, ठीक है, जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। ध्यान रखिएगा, कैसी नाउन, कैसी वर्ब आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि ईच हमारा मेन वर्ड हो गया, ये कहता है प्रत्येक, हर एक, ठीक है, हर एक, राइट, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। डन, बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। अब जहां मैंने एक सेंटेंस लिखा, जरा हमने सेंटेंस लिख दिया, ईच ऑफ द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ईच ऑफ द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ये लिख दिया, गलत हो गया, ईच ऑफ द चिल्ड्रेन नहीं,
ईच ऑफ द चिल्ड्रेन आर नहीं, क्या हो जाएगा इज। अल्टीमेटली यहाँ पे कौन इंफेसाइज कर रहा है, ईच इंफेसाइज कर रहा है, ईच यहां पर मेन होता है। हमेशा ध्यान रखिए प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर इसका स्ट्रक्चर है तो ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, दैट इज सिंगुलर। ठीक है, कैसी आ जाएगी बेटा, सिंगुलर आएगी, एक्स प्लस ऑफ प्लस नाउन, डन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेन सब्जेक्ट होगा, वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, क्योंकि यहां पर एक्स अगर रिप्रेजेंट कर रहा होगा सिंगुलर को, जैसे ईच हो गया, वन हो गया। ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल भी आ सकती है वर्ब, यहां पर सिंगुलर आएगी क्योंकि यहां पर ईच है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, डन राइट। अच्छा, अब बात करते हैं जरा हम एवरी की। एवरी सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, एक एडजेक्टिव है, अपने जस्ट बाद नाउन लेता है। एवरी क्या है, एक एडजेक्टिव है और अपने जस्ट बाद नाउन लेता है, और वो भी कैसा लेगा, सिंगुलर। ठीक है, एवरी गर्ल्स हैव डन ए। ठीक है, एवरी गर्ल्स हैव डन ए। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर एवरी मतलब सारा होता है तो गर्ल्स हो जाएगा, नहीं, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है बेटा। ठीक है, तो प्रत्येक हर एक की बात करता है, इसलिए जस्ट बाद नाउन सिंगुलर ही आएगा, एवरी गर्ल। अब यहां पर प्रत्येक को रिप्रेजेंट करता है, हर एक को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, एवरी गर्ल हैज डन। ठीक है, बात समझ में आ रही, यस और नो, क्लियर। अच्छा, अब एक खास बात और है कि ईच का यूज किसके लिए होता है बेटा, दो या दो से अधिक के लिए होता है, और एवरी का यूज किसके लिए होता है, हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। अब देखिए, ईच, देयर आर टू स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स, देर आर टू स्टूडेंट्स एंड टॉकिंग टू एंड एंड एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। देर आर टू स्टूडेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देर आर टू स्टूडेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। इन दिस केस एवरी गलत है, क्योंकि यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं, दो, जब दो है तो एवरी नहीं, क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है राइट। अब यहीं पे कह दें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स, एंड एवरी और ईच, every oblique each is each learner is intelligent। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है, एवरी और ईच प्लस लर्नर दोनों ही सही हैं। ठीक है, जब हम एवरी यूज करते हैं तो
क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक हैं, तो आप एवरी भी यूज कर सकते हो, ईच भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप एवरी यूज करते हैं तो आप टोटैलिटी में बात करते हैं, एवरी लर्नर, प्रत्येक लर्नर, ठीक है। ईच बहुत ज्यादा इंफेसाइज करता है, ठीक है। एवरी और ईच में हम जनरली जब छोटे नंबर्स हो तो हम वहां पर ईच प्रेफर करते हैं, और जहां पर पता ना हो अनलिमिटेड तो एवरी प्रेफर करते हैं। जैसे यहां देर आर थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स, हजारों लर्नर्स है, पता नहीं है, लिमिट नहीं है, तो ज्यादा प्रेफरेंस आप एवरी को दे दोगे यहां पे। एवरी इज प्रेफरेबल रादर देन ईच। ईच होता है जब लिमिटेड हो, ठीक है, स्मॉल हो, ठीक है। जब हमें पता ना हो और वो अनलिमिटेड हो, ज्यादा हो, तो वहां पर हम लोग एवरी प्रेफर करते हैं। प्रेफरेंस की बात है बेटा, ईच गलत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आपने सुना होगा, एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री। अब यहां पर एवरी सिटीजन में आपने ईच सिटीजन नहीं किया, आपने क्या किया, एवरी सिटीजन किया, क्योंकि कंट्री की बात हो रही है, एक लार्ज अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। तो एवरी यहां पर हम लोग प्रेफर करेंगे, एवरी का यूज करेंगे, राइट। ईच एवरी एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री, ठीक है, शुड वर्क फॉर द नेशन। ठीक है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर। अब हमने कहा देयर आर 10 स्टूडेंट्स, तो एवरी और ईच सही है, लेकिन ईच क्या है, ज्यादा प्रिफरेबल हो जाएगा हमें जब लिमिटेड नंबर दे रखे हैं और हर एक पे इम्फेसाइज करना हो। ईच ऑफ देम इज फ्रॉम यूपी, ठीक है। तो बात यहां पर ये है एवरी में, कि एवरी लार्ज नंबर को शो करता है, तो और दो या दो, सिर्फ दो से अधिक के लिए यूज होता है, और ईच का यूज दो या दो से अधिक दोनों के लिए यूज होता है। ईच आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है, और एवरी सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, आपको ईच और एवरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो अच्छे से पता जरूर चल गया होगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ईच और एवरी की जो बेसिक बात है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए लास्ट से, ठीक है। इन डिटेल हम कभी 1 आवर का भी सेशन लेंगे, तो और भी खास बातें भी करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, एक बात मुझे बतानी थी, शायद मैं मिस कर गया, ठीक है। ईच और एवरी पर जब एंड से कनेक्ट होता है, ठीक है, जब किससे कनेक्ट होता है, एंड से कनेक्ट होता है, तो भी उस केस में हम लोग इसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे, राइट। अभी क्वेश्चन ध्यान आ गया, मैंने कहा एंड करने से पहले एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लें। आप लोगों ने कभी देखा होगा इस तरह से, Each boy and each girl, each boy and every girl। तो चाहे बेटा each and each आ जाए, each and every आ जाए, every and every आ जाए, and करके भी अगर each और every आता है तो उसको हमेशा singular ही मानेंगे, और verb भी कैसे use करेंगे, हमेशा singular use करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है, ईच बॉय एंड गर्ल, दिस वे, ठीक है। तो ये बात बतानी थी कि एंड से अगर ईच और एवरी जुड़ते हैं तब भी उनको कैसा ट्रीट करते हैं, हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर।